अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा। आज हम पेश करेंगे 94 क्वेश्चन नंबर 12। सोल्व द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। इन क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ए। 660 डिवाइडेड बाय 6, हमने क्या करना है? सबसे पहले हंड्रेड्स को सॉल्व करना है। हंड्रेड्स में हमारे पास कौन सी अमाउंट है? 6। 6 का टेबल काउंट करेंगे, 6 वन्स आर 6। 6 में 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 0। हम सेकंड अमाउंट को लेंगे, इसको हम नीचे लेंगे। सेकंड अमाउंट हमारी आ गई टेंस वाली। अब हम फिर टेबल काउंट करेंगे, 6 का 6 वन्स आर 6। 6 में 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0। और ये वाला जो 0 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ हमारे पास आंसर में क्या आया? 0। इसका कोई रिमाइंडर नहीं है। पार्ट बी, 809 डिवाइडेड बाई 8। 809 डिवाइडेड बाई 8, सबसे पहले हमने हंड्रेड्स को सॉल्व करना है। 8 का टेबल काउंट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 80। 8 टेंस आर 80। 80 में से 80 को माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास? 0। अब हम इसको सेकंड अमाउंट को नीचे ले आएंगे। सेकंड अमाउंट कौन सी है? 9। अब हम 8 का टेबल काउंट करेंगे, 8 वन्स आर 8। 9 में से हमने 8 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया? 1। और ये हमारा रिमाइंडर है। पार्ट सी, 778 डिवाइडेड बाई 7, हमने क्या करना है? 7 का टेबल काउंट करना है, 7 वन्स आर 7। पहले हमने हंड्रेड्स को सॉल्व करना था तो हमने 7 वन्स आर 7 ले लिया, इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। हम क्या करेंगे? सेकंड अमाउंट को नीचे लेके आएंगे टेंस को, वो क्या है? 7। अब फिर 7 का टेबल काउंट करें, 7 वन्स आर 7। 7 में से 7 को माइनस करें, हमारे पास क्या आता है? 0। तो अब क्या करेंगे हम? थर्ड अमाउंट हमारी वंस वाली है, उसको हम नीचे ले आएंगे, वो क्या है हमारी? 8। अब 7 का टेबल काउंट करें, अमाउंट या तो उसके बराबर आए या उससे छोटी हो। 7 वंस आर 7। 8 में से हमने 7 को माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। ये क्या है हमारा रिमाइंडर। पार्ट डी पे आ जाएं, 846 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले हमें हंड्रेड्स को सॉल्व करना है, वो अमाउंट है हमारी 8। 4 का टेबल काउंट करें, 4 टूज आर 8। 8 में से 8 को माइनस करें, क्या आ गया हमारे पास? 0। सेकेंड अमाउंट है हमारी टेंस वाली, उसको हम नीचे ले आए 4। अब 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 वन्स आर 4। 4 में से 4 माइनस करें, क्या आ गया हमारे पास? 0। थर्ड अमाउंट हमारी आ जाएगी नीचे वन्स वाली, 6। अब फिर हम 4 का टेबल काउंट करेंगे, 4 वन्स आर 4। 6 में से 4 को माइनस करें, हमारे पास क्या आ गया? 2। 2 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। पार्ट डी को सॉल्व करते हैं, 904 डिवाइडेड बाय 3। 3 थ्रीज आर 9। 9 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 0। इस 0 को हम ऊपर क्वेश्चन में लिख देंगे। फिर हमारी थर्ड अमाउंट कौन सी होगी? 4। 4 हमने नीचे ले ली। 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 वन्स आर 3। 4 में से 3 को माइनस करें, क्या आ गया हमारे पास? 1। 1 क्या है हमारा? रिमाइंडर है। और 3 इज 100। 1 ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट ए से लेके पार्ट ई तक सॉल्व किया है, और पार्ट एफ से लेके पार्ट जे तक आप लोगों का होमवर्क है। इसको आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, इसकी पिक्चर बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें, और इसकी इंस्ट्रक्शंस हम बाद में आपको दे देंगे।